चार दिन बाकी हैं, अभी चार दिन के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि अभी राष्ट्रपति के भाषण पर मोशन ऑफ थैंक्स पर चर्चा होगी, डिबेट होगा, उस पर क्या मुद्दे होंगे, हमारी रणनीति क्या होगी उसको लेकर, और बड़े बड़े मुद्दे हैं उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। देखिए कल संसद में क्या होता है, देखते रहिए। सर, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है कि आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में इमरजेंसी का जिक्र किया गया। ये सब देखिए, ये सब हमें भी मौका मिलेगा जब हमारे नेता बात करेंगे, अलग अलग पार्टियों के नेता बात करेंगे, चर्चा में भाग लेंगे। अभी कल क्या होगा देखते रहेंगे। हमें आज सभी चर्चा पर, सभी मुद्दों पर बात हुई है, सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है, और जिस तरीके से स्पीकर का चुनाव हुआ है, राष्ट्रपति का भाषण हुआ है, सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है। 21 घंटे का समय दिया गया जो राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा में भी, लोकसभा में अभी उसमें कोई समय नहीं दिया गया है। बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल कमेटी में राज्यसभा में 21 घंटा दिया गया है चर्चा के लिए। अभी देखते हैं, अभी चार दिन बाकी हैं, कल क्या होगा। ऐसे तो रोज ऐसे बैठक होते रहेंगे, बॉल बाय बॉल कमेंट्री तो नहीं दे पाऊंगा। लेकिन सर, विपक्ष आक्रामक रहेगा राष्ट्रपति के? बिल्कुल आक्रामक रहेंगे, बिल्कुल आक्रामक रहेंगे। ये पूरा जनादेश प्रधानमंत्री के लिए एक निजी हार है, एक राजनीतिक हार है और एक नैतिक हार है, उसको स्वीकारना चाहिए। वो पहचान नहीं रहे हैं कि 2024 का जनादेश क्या है। विपक्ष याद दिलाएगा? रोज याद दिलाते रहेंगे। नेता चार दिन बाकी हैं, अभी चार दिन के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि अभी राष्ट्रपति के भाषण पर मोशन ऑफ थैंक्स पर चर्चा होगी, डिबेट होगा, उस पर क्या मुद्दे होंगे, हमारी रणनीति क्या होगी उसको लेकर, और बड़े बड़े मुद्दे हैं उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। देखिए कल संसद में क्या होता है, देखते रहिए। सर, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है कि आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में इमरजेंसी का जिक्र किया गया। ये सब देखिए, ये सब हमें भी मौका मिलेगा जब हमारे नेता बात करेंगे, अलग अलग पार्टियों के नेता बात करेंगे, चर्चा में भाग लेंगे। अभी कल क्या होगा देखते रहेंगे। हमें आज सभी चर्चा पर, सभी मुद्दों पर बात हुई है, सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है, और जिस तरीके से स्पीकर का चुनाव हुआ है, राष्ट्रपति का भाषण हुआ है, सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है। 21 घंटे का समय दिया गया जो राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा में भी, लोकसभा में अभी उसमें कोई समय नहीं दिया गया है। बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल कमेटी में राज्यसभा में 21 घंटा दिया गया है चर्चा के लिए। अभी देखते हैं, अभी चार दिन बाकी हैं, कल क्या होगा। ऐसे तो रोज ऐसे बैठक होते रहेंगे, बॉल बाय बॉल कमेंट्री तो नहीं दे पाऊंगा। लेकिन सर, विपक्ष आक्रामक रहेगा राष्ट्रपति के? बिल्कुल आक्रामक रहेंगे, बिल्कुल आक्रामक रहेंगे। ये पूरा जनादेश प्रधानमंत्री के लिए एक निजी हार है, एक राजनीतिक हार है और एक नैतिक हार है, उसको स्वीकारना चाहिए। वो पहचान नहीं रहे हैं कि 2024 का जनादेश क्या है। विपक्ष याद दिलाएगा? रोज याद दिलाते रहेंगे।